की हत्या हुई, उनके अंतिम संस्कार में जा रहे थे लेकिन हमको जाने नहीं दिया। हम लोगों ने बहुत बात की, हमने ये कहा कि भाई हम लोग सिर्फ अंतिम संस्कार में नमन करने जा रहे हैं, अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स में करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं जाने दिया। आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों परेशान है उत्तर प्रदेश की सरकार प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा के, माननीय मिश्रा जी के उसमें अंतिम संस्कार में जाने से? सर क्या कहेंगे प्रशासन के रवैये को? बहुत गलत रवैया है, बिल्कुल खिलाफ है, उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। ये सिर्फ मेरा मान और सम्मान की बात नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात है। क्या किसी आदमी को अगर ये अधिकार नहीं होगा कि आखिरी वक्त में किसी को जाकर के उसके अंतिम संस्कार में शरीक हो सके, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, उत्तर प्रदेश को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। सर आपका अगला स्टैंड क्या होगा? लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए लगातार सिर्फ अकेले ब्राह्मणों की नहीं, ब्राह्मणों की तो लगातार हो रही है, उनके खिलाफ अत्याचार, हर समाज हर वर्ग उत्तर प्रदेश आज त्राही त्राही कर रहा है, उत्तर प्रदेश आज परेशान हो गया है, और अब इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। ये प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का सम्मान नहीं, अभिषेक मिश्रा से जाति नहीं हो रही है, ये उत्तर प्रदेश की जनता से जाति हो रही है। अंतिम सांस तक लड़ूंगा, कोई ताकत डरा नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती, किसी से छूटेगा नहीं, और कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा अत्याचार हो जाए, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा रुकने वालों में से नहीं है। देखिए कोई भी आदमी है जिसके दिल में दर्द होगा, जिसके दिल में दिल होगा, जिसका सीने में दर्द होगा, जिसको आम आदमी के दर्द में दुखता होगा, वो आदमी बात कहेगा जो आज मैं कह रहा हूँ। निश्चित रूप से पूरी ताकत से हम लोग इसका विरोध करेंगे, लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। अभिषेक मिश्रा कभी हारने वालों में से नहीं। थैंक यू।